असलम वीवर्स मैं सीमा फैदर एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो विंटर सीजन के लिए अपने कुछ कैजुअल ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं मैंने जिनकी डिज़ाइनिंग बहुत ही क्यूट सी है बहुत पसंद आएगी आपको तो विदाउट गपशप चलते हैं पहले ड्रेसेस की तरफ ये है ड्रेस नंबर वन सबसे पहले इसकी क्यूट सी नेक लाइन देख लें ये सिंपल बोट नेक ऊपर बनाया हुआ है लेस लगाई हुई है उसके बाद ये छोटा सा क्यूट सा कट है बीच में और एक बॉल लगाई हुई है इस तरह से इसकी लुक आएगी जो आपको पिक्चर में शो हो रही होगी साइड पर स्लीव्स डिजाइनिंग भी इसकी बड़ी क्यूट सी है इस तरह से पहले यहाँ पे चुनटे डाली हुई हैं काफी लूज सा फैब्रिक रख के और फिर स्ट्रेट इस, इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ कलाई के पास क्या किया हुआ है चौड़ी वाली इलास्टिक लगाई हुई है पहले इस तरह से ऊपर चन्नटें फिर इस तरह से सिंपल स्ट्रेट स्टिच करके और यहाँ पे चौड़ी वाली इलास्टिक लगाई हुई है जो नॉर्मल आप ट्राउजर्स में लगाते हैं फिर सामने थोड़ी पतली वाली इलास्टिक लगाई है जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से हाफ इंच की विद की होती है इस तरह से ये देखें ऊपर नीचे इलास्टिक लगा के इसकी डिजाइनिंग की है स्टफ इस इसका कॉटन का है वन पीस के मैंने शर्ट पीस लिया था फिर इसके साथ ट्राउजर मैच करके लिया सिंपल स्ट्रेट कट वाली फिटिंग की शर्ट बनाई है मैंने नेक लाइन इस तरह से देख लें और स्क्रीन शॉट ले लें इसका अब इस तरह से ऊपर से नीचे तक मैं इसकी आपको दिखाती हूँ डिजाइनिंग चौक पीस की बड़े मजे की बनी हुई है इस तरह से ये शलवार के कपड़े का पलटा लगाया हुआ है और जो लेस लगाई थी नेक पे वही जो है ये इनसाइड जो है दबा कर लगाई हुई है दामन इसका इस तरह से देखें चौड़ा स्टिच किया हुआ है चौड़ा फोल्ड करके हमेशा दामन जो है इसी तरह से फोल्ड किया करें इससे क्या होता है कि लुक आपके ड्रेस की बहुत एलिगेंट आती है डिज़ाइनर ब्रेडवेयर कलेक्शन जो होती हैं उनकी जैसी लुक आती है इस तरह से सिर्फ फ्रंट पे ये बॉल्स भी लगाई हैं जो कि बहुत ही सूट कर रही हैं इसके साथ बहुत ही एलिगेंट लग रहा है अब ये बैक साइड का नेक जो है इसका वी शेप में बनाया है इस तरह से ये देखें इस तरह से इसमें भी ओवरऑल जो है लेस लगाई है तो अब ये स्क्रीन शॉट लेना चाहें स्लीव्स का तो इस तरह से ले लें आप अब इसका ट्राउज़र जो है वो भी बड़ा ही मज़े का स्टिच किया है मैंने तो डिज़ाइनिंग आपको भी पसंद आएगी ये मैच करके मैंने इसके साथ डार्क ग्रीन कलर का ट्राउज़र लिया है ये छोटा सा नीचे कट रखा है फिर उसके बाद ये दो प्रिंटेक्स डाली हैं फिर उसके बाद ये क्या किया है तीन तीन इंच के गैप से ये छोटे साइज़ की जो पर्ल होती है वो बीच में कपड़े के रख के और फिर उसकी नॉट लगा दी जिस तरह टाई एंड डाई के दुपट्टों के लिए नहीं चुनरी के दुपट्टों के लिए आप गिरा लगाते हैं उस तरह से गिरा लगा के इसकी डिजाइनिंग की है ओवरऑल हर साइड पे ट्राउज़र की इस तरह से और नीचे जो है ये बुकरम लगा के और फिर पाइचे जिस तरह बनते हैं ना उस तरह स्टिचिंग की हुई है इस तरह से स्क्रीन लेना चाहें तो इस तरह से आप ले सकते हैं ये देखें छोटा सा कट फिर ये पैंच वाली स्टिचिंग मतलब सिलाइयाँ डली हुई हैं फिर प्रिंटेक्स दो डली हुई हैं और फिर उसके बाद ऊपर से इस तरह की ये इसके साथ मैंने दुपट्टा अप किया है ये कैमरे में मैच नहीं आ रहा मगर मैच है ये लाइट वाले कलर के साथ तो ये कैजुअल ड्रेस है घर पे पहनने के लिए इसी तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए दुपट्टे पे कोई डिजाइनिंग नहीं की अब ये सेकंड नंबर ड्रेस है और इसका स्टफ जो है लिनन पर है नेक लाइन इसकी भी बड़ी क्यूट सी डिजाइनिंग की हुई है नेक की ये राउंड नेक बना हुआ है पहले इस तरह से ओवरऑल पहले आप देख लें दूर से फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ इस तरह से राउंड नेक ऊपर बना के छोटा सा सेंटर में कट रखा हुआ है ये देखें इस तरह से और फिर सामने जो है बुकरम के साथ मतलब फ्यूजिंग पेपर के साथ पट्टी बनाई हुई है दो चौड़ी पाइपिंग करके इस तरह से और नीचे एक बटन ऐड किया है और एक कसल्स लगाया है नॉर्मली हम क्या करते हैं कि लाइन वाइज बस बटन्स लगा देते हैं पूरे ऊपर से नीचे तक पट्टी पर ये मगर ये एक बटन और एक टसल से बड़ी एलिगेंट लुक आ रही है इसी तरह थ्री क्वार्टर्स बनाई है इसकी स्लीव्स और इस पर तीन समोसा इस तरह से बनाकर सिर्फ सेंटर में सिर्फ ऊपर की साइड पे ये सेंटर में जो है ये मैचिंग कपड़ा इसका लेकर और इस तरह से प्लेन कपड़े से डिज़ाइनिंग की है बस कोई लेस नहीं लगाई एक बटन एक टसल्स और फैब्रिक से डिज़ाइनिंग दामन इसका भी अगेन इसी तरह चौड़ा फोल्ड किया है काफ़ी लचक वाला अच्छा सा ये फैब्रिक है लिनन का और ये पिछले सूट के साथ जो ट्राउज़र मैंने दिखाया आपको वही इसके साथ भी मैच हो गया तो मैं क्या करती हूँ कि ट्राउज़र जो है ना वन कलर में ही रखती हूँ उसमें कमीज़ का कपड़ा ऐड नहीं करती उससे क्या होता है कि आप एक ट्राउज़र को मुख्तफ ड्रेसेस के साथ वेयर कर सकते हैं तो देखें इसी ट्राउज़र के फैब्रिक से जो है मैंने इस शर्ट की भी डिज़ाइनिंग कर ली तो दो सूट इस तरह से एक ट्राउज़र के साथ रेडी हो गए अब इसके साथ जो है मैंने दुपट्टा अप किया है ऑरेंज कलर का वो भी शिफॉन का तो ये घर पे पहनने वाले कैजुअल ड्रेसेस हैं और ये ऑरेंज दुपट्टा इसके साथ काफ़ी सूट कर रहा है तो देखें ओवरऑल कितना प्यारा सा डिज़ाइनर वेयर ड्रेस मेरा तैयार हो गया अब ये थर्ड नंबर ड्रेस इसकी भी नेकलाइन बहुत ही प्यारी है बल्कि दोनों ड्रेसेस से ज़्यादा मुझे इसकी नेक लाइन प्यारी लगी है वन साइड बी और वन साइड इस तरह से कॉलर और ये मेरा ड्रेस जो है मैंने बनाया है अपने एक स्कार्फ से ये आपको साइड पे पिक्चर शो हो रही होगी ये मेरा स्कार्फ था स्क्वायर शेप उसकी मैंने शर्ट बनाई है तो इस तरह से जोड़ डाल के ये स्लीव्स की डिज़ाइनिंग की, की है और नेक देख लें इसका इस तरह से वन साइड पर लूप वाली लेस और वन साइड से कॉलर है और कॉलर पर मैंने नेट का फैब्रिक ऐड किया है सामने इस तरह से बटन्स लगाए हैं फिर वन साइड पर क्या किया है ये दो पिंटेक्स डाली हैं ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह से ये देखें नीचे फिर इसका मैंने साइज थोड़ा लॉन्ग करने के लिए ये लेस ऐड की है लेस का कलर आपको थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा वीडियो में इस तरह से कलर इसका ठीक नहीं आ रहा मगर लेस बिल्कुल मैचिंग की है ये देखें इस तरह से लूप वाली लेस पहले ऊपर गले में और स्लीव्स में लगाई हुई है सामने बटन्स हैं और नीचे इस तरह से दामन में टसल्स भी ऐड किए हैं अब ट्राउज़र इसके साथ ये रेडी टू वीयर मैंने लिया था पैच इसके साथ लगा हुआ था एम्ब्रॉयडरी ये चिकन का ट्राउज़र है और दुपट्टा इसके साथ मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त टू हंड्रेड में मिल गया ओनली टू हंड्रेड में बना बनाया ये पोल का डॉट वाला नेट का दुपट्टा है कासनी कलर का कलर आपको पता नहीं ठीक से नज़र आ रहा है या नहीं बहुत लाइट सा बहुत प्यारा सा कलर है तो बड़ा ही अच्छा सा ये मेरा ड्रेस ये भी तैयार हो गया तो ये देखें इसकी ओवरऑल लुक कितनी प्यारी आ रही है तो ये थी आज की डिज़ाइनिंग उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और ये पार्ट वन था वीडियो का इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी इसका मैं पार्ट टू बहुत जल्दी बनाऊंगी बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस बना रही हूँ मैं जो कि शेयर करती रहूँगी आपके साथ उसके लिए क्या करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ताकि नेक्स्ट जो भी डिज़ाइनिंग की वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको आसानी मिल जाए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़